हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपरी ऊपर F1 से लेके F12 तक जो फंक्शन की है, इनका हम लोग PC के अंदर है वो उपयोग कैसे करते हैं। आजकल हर कोई कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में जानता है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो फंक्शन की है उनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ, कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर, स्पेशल कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, टैब होते हैं जिनके अंदर फंक्शन की का है वो उपयोग होता है। तो वो सारा हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर है वो बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, कई कंप्यूटर के अंदर इन फंक्शन की का अलग अलग उपयोग होता है और कई के अंदर है कुछ फंक्शन की है वो वर्क है वो नहीं काम करती, तो वो अलग अलग कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। बेसिकली वैसे फंक्शन की का किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर व स्पेशल हार्डवेयर के लिए काम में लिया जाता है, तो पूरा डिटेल से हम लोग वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं फंक्शन की का उपयोग है वो हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं F1 फंक्शन की फर्स्ट की। तो जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर की डिटेल्स जानना चाहते हो या किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प सेंटर में जाना चाहते हो, तो जिस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हो, ओपन करते यदि आप F1 प्रेस करते हो, यानी फंक्शन की का जो F1 है उसे आप प्रेस करते हो, तो कुछ सॉफ्टवेयर की भी पूरी पूरी डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है और हेल्प सेंटर भी ओपन हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर है वो ओपन करके दिखाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको जो डिटेल है वो दिखा देता हूँ। सपोज ये VLC प्लेयर है, मैंने VLC प्लेयर ओपन किया और उस जैसे VLC प्लेयर ओपन होगा तो मैं वो फंक्शन F1 की प्रेस कर दूँगा, तो आपके सामने VLC प्लेयर का जो हेल्प सेंटर है वो यहाँ पे आपके सामने है, वो ओपन हो गया। इस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प सेंटर या उस सॉफ्टवेयर की डिटेल्स जानना चाहते हो तो उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही फंक्शन की का F1 आप प्रेस करोगे तो आपके सामने उसका हेल्प सेंटर है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शन की 2 की, यानी F2 की बात करते हैं। यदि आप F2 बटन किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक करके प्रेस करते हो तो वो फोल्डर रीनेम हो जाएगा, यानी आपको राइट क्लिक करके रीनेम करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट रीनेम कर सकते हो। एग्जांपल तो मैं समझाता हूँ कि न्यू फोल्डर है इस पर मैंने क्लिक किया, अब मैं फंक्शन की 2 है वो प्रेस करूँगा तो ये देखिए रीनेम हो गया, तो मैं इसको कोई भी नाम है वो फोल्डर को दे सकता हूँ। बेसिकली F2 का हम लोग यहाँ पे यूज है वो कर सकते हैं शॉर्टकट के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शन की F3 की। यदि आप फंक्शन की के अंदर F3 प्रेस करते हो, एंटर प्रेस करते हो, सर्च बार ओपन हो जाता है, जैसे आप किसी ब्राउजर के अंदर सामने लाता है, जैसे आप F3 की प्रेस करके एंटर प्रेस करो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को सर्च करेगा, उसके साथ साथ आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने F3 की दबाया और इंटर कर दिया, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने F3 की दबाया, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने F3 की दबाया तो यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन है वो आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट F3 की प्रेस करके कुछ भी वह सर्च कर सकते हैं और कहीं पे भी आप फोल्डर के अंदर हो F3 दबा दो वहाँ पे डायरेक्ट सर्च बार के ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके कीबोर्ड की फंक्शन की F4। F4 को केवल डायरेक्ट है वो F4 से हम लोग उपयोग नहीं कर सकते फंक्शन की, उसके साथ या तो आपको कंट्रोल या अलर्ट का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसको या तो किसी सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए काम में लेते हैं या आपके कंप्यूटर को डाउन करने के लिए काम में लेते हैं फंक्शन की F4 को। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शन की F5 की। फंक्शन की F5 मोस्टली आप सभी को पता होता है कि विंडो सिस्टम को डेस्कटॉप पे रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की F5 का हम लोग यूज में लेते हैं। उसके साथ साथ यदि आप किसी वेब ब्राउजर के अंदर कुछ सर्च कर रहे हो उस
टाइमली आप उस ब्राउजर या उस वेबसाइट को रीलोड करने के लिए F5 प्रेस करते हो तो वो वेबसाइट भी रीलोड हो जाती है। बेसिकली F5 का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और मोस्टली आप जरूर डेस्कटॉप का रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज किया होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं फंक्शन की F6 की। तो F6 जो फंक्शन की है उसका हम लोग उपयोग मोस्टली क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं किसी वेब ब्राउज़र में हूँ, जैसे अभी मान लो इसी ब्राउज़र के अंदर हूँ, मैं आपको चेक करता हूँ, तो मैं अपना जैसे मेरा जो अभी तीर है वो यहाँ पे है और मैं यहाँ पे एड्रेस पे लेके आके और यदि फंक्शन की दबाता हूँ मैं 6 तो ये देखिए वापस वहीं पर पोजिशन आ जाती है और फिर वापस F6 दबाऊँगा तो वहाँ एड्रेस के ऊपर आ जाएगी, फिर वापस दबाऊँगा तो एड्रेस के ऊपर वो आपको दिखाई दे रही है, अब फिर से दबाऊंगा तो मेन जो पोजीशन है उस पर वापस जहाँ मेरा पहले क्रेशर था वहीं पर वहीं आ जाती है। तो मोस्टली F6 का उपयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे दोस्तों बात करें फंक्शन की 7 की। तो मोस्टली फंक्शन की 7 में आपको कीबोर्ड पे दिखा देता हूँ, इस टाइप की फंक्शन कीबोर्ड है। इसको हम लोग मोस्टली इसका इस्तेमाल विंडो में नहीं होता है, लेकिन आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट करने के बाद में यह है कि तभी काम करती है जब आपका वह सॉफ्टवेयर ओपन या एक्टिवेट हो, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शन की 8 की। फंक्शन की 8 जो ऑप्शन होता है उसके अंदर हम लोग विंडो स्टार्ट, कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद और विंडो स्टार्ट होने से पहले यदि हम इस फंक्शन की यानी F8 का यदि उपयोग करें तो उसके अंदर हम बहुत सारे ऑप्शन हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मान लो हमें अगर पेन ड्राइव के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन करना है या CD से विंडो इंस्टॉलेशन करना है और आपके हार्ड डिस्क वगैरह जो भी इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे ब्यूटेबल वाले ऑप्शन भी मिल जाते हैं। चलिए आपको नहीं समझ में आए तो मैं एक एग्जांपल तौर पे समझा देता हूँ एक विंडो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, मोस्टली ब्यूटेबल पेन ड्राइव को हम लोग रन कैसे कराएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ F8 की से। अब आपको क्या करना है, अपना पीसी है वो यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना है, यहाँ बटन ऑन पावर ऑन का बटन है उसे आपको प्रेस करके आपका पीसी है वो ऑन करना है। चलिए ऑन तो आप जैसे ही मतलब F8 की प्रेस करोगे तब आपके सामने ये सिस्टम आ जाएगा, विंडो वगैरह या ड्राइव वगैरह लगी होगी तो वो ऑप्शन है वो शो होगा, इस टाइप से कुछ हाल ओपन। अब बात करते हैं फंक्शन की F9 का। तो दोस्तों फंक्शन की F9 का भी हम लोग उपयोग है वो विंडोज़ के अंदर उपयोग नहीं होता है। हाँ यदि आप विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो उस समय दौरान आप म्यूजिक को चेंज कर सकते हो उस की से। तो मोस्टली यहीं पे F9 का वो उपयोग होता है और विंडोज़ वो PC पे डिपेंड करता है, अलग अलग PC पे अलग अलग F9 वो फंक्शन की काम करता है, लेकिन मोस्टली यही काम आता है। अगर दोस्तों आप फंक्शन की F10 का यूज़ करते हो, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो किसी ब्राउज़र के अंदर, यदि इसको आप प्रेस करते हो तो इसका आपका जो ब्राउज़र है वो फाइल मेन्यू ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप शिफ्ट के साथ F10 की प्रेस करते हो तो इससे आपका जो राइट मेन्यू ऑप्शन है वो हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शन की F11 की। फंक्शन की F11 मोस्टली अपने विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर या कोई ब्राउज़र के अंदर फुल स्क्रीन करने के लिए काम में लेते हैं, जैसे हम लोग कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो उसको फुल स्क्रीन करना है। फंक्शन की 12 इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ब्राउजर में किया जाता है, जब आप ब्राउजर को प्रेस करते हैं तभी ये क्या डेवलपर ऑप्शन को ओपन करता है, इसे कई तरह के इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अलर्ट करते हो तो विंडोज के साथ तरह के काम भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे उसका जवाब जरूर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी फंक्शन की का है वो उपयोग है वो कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करिएगा।
क्योंकि इस चैनल पर आपको और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।